नजरिया दी डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों सत श्रीकाल। वक् वक् पंथक जथेबंदियां अकाली दलों वालों अकालता सद जो जथेदार है उन्होंने तक पहुँच की जा रही है कि पंथक एकता दे लई ते पंथक मुद्दों नूं लैके अकाली दल भंग करके जथेदार साहब अगवाई करना समुचे पंथ की एक सिफारिश है, एक उन्होंने वालों अपील की जा रही है। ये भी नहीं कि एक जथेबंदी है, वक् वक् जथेबंदियां वक् वक् जो पंथक धिर हैं उन्होंने इस मुद्दे पर गलबात की गई है। इस मुद्दे पर जो आप थोड़ा एक कदम अगे जाके गल करिए कुछ दिन पहला जो हूँ बेनती अपील की जा रही हैं पंथक धिर उस मौके भी इकट्ठिया हुई थी जो बंदी सिंह की रिहाई का मुद्दा आया सी। तो उस तो कुछ दिन बाद ही संगरूर की लोग सभा की चोण आई तो किस तरीके सारा कुछ खिंडपुंड गया कि पंथक एकता इन्नी आरजी हो सकती है जां किसी तरातल ते आधारित होगी। शायद थोड़े जे कई वारी कसैले जरूर लगते है कि यह पंथक एकता पंथक मुद्दों लई है जां सत्ता दी होड़ दी इक लालसा है। इन्हां सारे मुद्दों ते मेरे नाल पैनल जिहड़ी बेनती मेरी प्रवान करके साडे मेहमान पंथक धिरां नाल जुड़े आगू जिहड़े जुड़े है उन्हां सारयां नूं तुहाडे वल्लों मैं पहलां जाण पछाण करवाउणा। सब तो पहला आप गल करते हैं जथेदार करनैल सिंह पीर मुहम्मद श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ने प्रोफेसर महेंद्रपाल सिंह इस तरीके श्रोमणी अकाली दल मान दे सीनियर आगू बुलारे ने जस निर्मल सिंह संयुक्त अकाली दल के सीनियर नेता साहब गुरतेज सिंह साबका IAS सारे जाने पछाने पंथक धिरां की नुमाइंदगी करने वाले आगू जिहड़े मेरी बेनती प्रवान करके आए मैं अपने आप च उन्हों का धन्यवादी हैं। तुम मेरी बेनती प्रवान किया है मुद्दे पर आप जो चर्चा कर रहे हैं मैं उम्मीद करता कि जो सानू दर्शक दुनिया भर च बैठे देख रहे हैं सुन रहे हैं साड़ी बहस इस मुद्दे से कोई सार्थक नतीजे जरूर लैके आएगी सुनेहा दे के जाएगी। पीर मुहम्मद जी पहला सवाल मैं थोड़े तो लैन लगे हैं जिदा मैं शुरू च कही है गल कि वक् वक् पंथक धिर कुछ अकाली दल आगुआ नो आकाश हाउस के जेडे जथेदार उन्होंने पहुँच की गई है कि पंथक एकता अकाली दल भंग किए जार जथेदार अकाल तख जी है अगवाई कर कि ये इशू इन्ना ही सार्थक है सधारण है पॉसीबिलिटी कि नज़र आँदी है सिरे चढ़ सकती है इदा की पेशकश। पहला तो समुचे पैनलिस्ट नुचिया सिख संगत देश विदेश वसते साबिया सिख भाईचारे वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी। देखो सिद्धू साहब थोड़ा सवाल जोड़ा है उसके स्पष्ट जवाब तो यो ही है कि पंथक एकता शब्द जोड़ा बड़ा मिठा प्यारा बड़ा सत्कारयोग शब्द है लेकिन जो इस एक सदरम लैके जाने फिर उके इस बहुत कुछ वो निकल आ जिंद अक्सर ही कहने होमे हंकार निजवाद जिस त्याग की भावना ना कि नजर आनी वो जिहड़ी चीज किसी एक नूं तां शुरू करनी पवेगी वो शुरुआत जदों हो जाएगी मैं समझना कि फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि जो आप पंथक एकता की गल करते हैं जिन्हां लोगों नाल एकता करनी है जे उन्हां नूं आपां अलांबे भी देने उन्हां दे उपर आपां दोष भी लाने ते फिर उन्हां लोगों दे नाल अपना बैठन का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। जे आपां बैठना है तो फिर जिहड़े गुण उगण ने उन्हां नूं एक पासे रख के ते उहदे विच जो आप समूह तौर के उत्ते एकता की गल करांगे तो उहदे विच जेड़ा जेड़े चंगे गुण ने उन्होंने सारे एक जगह से कट्ठे कर लवेंगे तो फिर अपने आप ही जी बुराइया जीडिया आपे थले चले जाएगियां। हुण मसला यह आ कि जिवें कल श्री अकाल तख्त साहब जी ते अपने सरदार सुखदेव सिंह जी ढींडसा पहुंचे ने अपने जथे समेत उन्होंने जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी नूं पंथक एकता की गल की है तो देखो ये त्याग भी होना चाहिए ना नाल त्याग दे विच जे तां वाकया ही वह पंथक एकता की गल करन गए सी तां अपना सब तो पहला रेजिग्नेशन सिंह साहब जी दे हत्थ फड़ाउंदे तां फिर दूसरिआं कोलों भी उहनां दा नैतिक हक बनदा सी कि उहनां कोल अस्तीफा मंगदे। उहनां ने अपनी गल रखदिआं होइआं शर्तां भी नाल ही लगा दित्तीआं तां तुसीं देखो शर्तां दे विच एकता कहिड़ी रहि जांदी है
इस करके मैं महसूस करदा कि क्योंकि मैनू जिन्ना को एक्सपीरियंस होया तजर्बा मैं जथेदार ब्रह्मपुरा साहब नाल भी सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी नाल जस्टिस निर्मल सिंह जी नाल प्रोफेसर महिंद्रपाल सिंह जी नाल सारिया नाल ही किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के उत्ते किसी ना किसी रूप के सांझा रही ने सो उन्हां दे विचों जो मैं महसूस करदा कि अज अपने सरदार गुरतेज सिंह जी आई एस इन्हां नाल भी विचार वटांदरे हुंदे रहिंदे आ समय समय सो असी सारे गल कहिंदे तां है एकता होवे पर उह एकता किवें होवेगी उस एकता का बन नूं किवें बनना पएगा क्योंकि मेरे तो सारे सीनियर ने सत्कारयोग ने अगे चल के इन्हां दे तुसीं विचार लओगे फिर आपां गल तोर लांगे। पीर मम जी एक सवाल जिहड़ा बिलकुल अगे जाण तों पहलां एक सवाल जरूर मैं संखेप च लैणा चाहांगा तुहाडे कोलों। सवाल यह है जो आप त्याग की गल करते हैं तोहमता लाने की गल करते हैं थोड़ा सवाल बड़ा वाजिब है पर मैं जिस मुद्दे से गल कर रहा कि देखो जितों तुम नुमाइंदगी की आप चर्चा कर रहे हैं जो श्रोमणी अकाली दल जिन्हें अगुवाई बादल कर रहा है इस वे अकाली दल के तौर पर राजसी धिर के तौर पर एक वही धिर हैगी है कि फिर पहलकदमी जिदा तुम ढींडसा उन्होंने अकाली दल कह रहे हैं योजी शुरुआत जी अपने घर चो नहीं करनी चाहिए। नहीं मैं तो यो महसूस करदा कि पंथक एकता जी समय की लोड़ है और अज तो नहीं शब्द कना च गूंजते आते जो मेरी समझ से यह तकरीबन 80 के दहाके तो शुरू होंगे आ रहे हैं उस तो बाद चलो 84 आई 84 के बहुत वड्डा एक कहान होया साडा सिख कौम का बहुत वड्डी एक नसलकुशी की गई फिर नवंबर 84 च हुई उस तो बाद फिर 85 आई 85 के भी एकता दी गल चलदिया रही ने और 85 तो अगे फिर 90-91 दे विच भी एकता दीयां गल्लां चलदियां रहियां 95 च भी चलदियां रहियां 1999 च भी चलदियां रहियां ते समय समय ये एकता की गल तो होंदी पर कित्थे कमजोरी है साडी जिहड़ी है सिरे कदे भी नहीं चढ़ी। तुहाडा व्यू पॉइंट आ गया बिलकुल जिहड़ा है पीर मोहन जी इस मुद्दे ते आपां चर्चा करदे हां। सर गुरतेज सिंह जी यही सवाल मैं तुहाडे तों लैण लग्गिआ एकता की जदों आपां गल करदे हां किधरे गल आउंदी है कि वख-वख अकाली दल भंग करके जथेदार साहब की अगवाई कर पर कि सार्थकता जिदा पीर मम जी कह रहे हैं कि पिछले समय च भी कोशिशा होंगे रही पर कद गल सिरे नहीं चढ़ी हूँ जी नवे सिरे तो यह गलबात चली है इन किमें देखते हो। बिल्कुल ठीक है जी मैं भी ज्यों का सुनता आ रहा 1960 तो लैके ही यह पंथक एकता का मसला साढ़े सामने हर वक्त खड़ा होंगे जी। मसला यह हैगा कि हर एक आदमी चाहता है कि प्रधान मैं रवां और मेरे हेठ आके सारे एकता कर लो हर मसले के उत्ते यही सब तो वड्डा एक स्टंबलिंग ब्लॉक हुंदा है। हुण चाहीदा तो यह है कि कोई सिद्धांत बनाए जाण कि जी इन्हां सिद्धांतों के उत्ते एकता होएगी आ साडा निशाना होएगा और आ साडी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होएगा। सब तो पहला पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन तय करन उस दे विच वेखण डेमोक्रेसी किन्नी कहेगी कि लोग राजी लीहां दे उत्ते बनिया होया कि नहीं बनिया होया जे नहीं बनिया होया तो पहला अकाली दल का संविधान इस तरह का ही हुंदा सीगा बिल्कुल मुकम्मल लोग राज दीयां लीहां दे उत्ते बनिया हुंदा सी जी। जे उस तरह का बना सकते हैं फिर उस तो बाद निशाने दे उत्ते सहमति कर सकते हैं तो फिर अपनी अपना त्याग करनू त्यार त्याग तो यह देखो किन्नी वारी इन्होंने इस्तीफे दिते और किन्नी वारी फिर वापस ले किन्नी वारी दल मर्ज होए तो फिर साबत दे साबत दुबारे फिर उन्दे विच्चों निकले आए तो इस तरह नाल तां संभव नहीं है। जे संभव है तो कम से कम हुण जिहड़े काफ़ी देर तो इस माहौल दे विच रहे न और लीडरशिप करते रहे अगवाई दिती है दे असीं देख रहे हैं कि उन्हां दी अगवाई ने सानूं किते नहीं पहुँचाया तो उन्हां नूं चाहिदा है कि जो योग नौजवान 35-40 और इस रेंज दे उन्हां नूं मिलदे न सारे सारे सहमति करके ते एक अकाली दल साढ़े सामने पेश कर देन एक वर्किंग कमेटी एक कोई जे सब तो पहली गल ये हुंदी है कि इन्होंने वड्डा काम सब तो टिकटां देने का करना हुंदा है तो जे इस तरह की कमेटी कोई ये साढ़े पेश कर देन पंथ दे कि जी असी ये लोग टिकटां देंगे और ये लोग निरपक्ष हनगे उन्हां दी निरपक्षता लोगों नज़र आवे जी तो फिर ये अपना इस तरह की वर्किंग कमेटी बना के और ये एक इस किस्म का संस्थावां दी सिरजना करके तो फिर तो
एकता संभव है, लेकिन मैनू तो जापदा नहीं कि जथेदार अकाल तख्त साहब इन्नी जोखम लैण के काबल भी हैं या कि वह उन्होंने जी उन्होंने पार्टी ने जिसने अपॉइंट किया होना इन्ना कर इजाजत भी देगी। जे दोनों गल् हो जाए तो बहुत वधिया गल है, एकता होनी चाहिए है और बड़ा निर्वाह अकाली दल निकलना चाहिए जोड़ा कि अज के हालात दे विच योग अगवाई कौम नूं दे सके। बिल्कुल गुरदेव जी, इस मुद्दे ते मैं वापस आवांगा तुहाडे नाल। प्रोफेसर नंदपाल जी, जिस मुद्दे ते चर्चा हो रही है, वड्डा सवाल गुरदेव जी कह रहा है कि जे आपां एकता दी गल करदे हां, पिछले लंबे समय च एकता दीआं गल्लां चलदीआं रहीआं, तुहाडी जिम्मेवारी जां तुहाडे सवाल नूं इस करके होर वी गंभीरता नाल जिहड़े साडे दर्शक आ लैणगे, क्योंकि पिछले दिनां च जिस तरीके नाल सिमरजीत सिंह मान जिहड़ा संगरूर च जिन्हां ने फतेह हासिल कीती है, तो लोगों की तवक्को है कि वह भी कोई वक्रा बदल जा वक्री तब्दीली लैके आएंगे। इस मुद्दे को किमें देखते हो, जी चर्चा होने छिड़ी है? प्यारे ने सारे तो मैं गल अपनी जारी रखता हो कहना पीर मोहम्मद साहब जी ने खासकर गुरु अपना आई एस गुरतेज सिंह जी ने दिते ने विचार, क्योंकि उन्होंने 1960 तो गल शुरू की है सरदार गुरतेज सिंह जी ने। मेरे को प्रैक्टिकल तजर्बा जरा 80 तो बाद खास कर 75 तो बाद मैं नेड़े जे देखा है जरा मसला है कि हम इन लोगों की बार बार भी अकाली दल की कारगुजारी करके हसोहीना जहा लगन लग गया है लोगों। रही गल के एकता कोई भी हो गई जे जिम्मे है बादल परिवार चला रहा अपना इस डिबेट पीर मोहम्मद साहब कर रहे ने, इन सा बहुत मुश्किल है क्योंकि 1978 तो लैके जिन्हिया कोई मेन मेन घटनावां हुई ने मुख दोषी तो बादल परिवार है चलन वाले लोग ने। जेकर क्लेरिफिकेशन देने की बजाय सिर्फ दूजे धड़ियां नूं एक ट्रैप करन दी इच ते चलन गए, जिवें कि इन्होंने साडे घरे जाके सिर्फ चाह पीन करके सानू सारी दुनिया दे विच गाला पईआं इक रात वी तुसीं इहनां नाल बैठ के गए। सो इस तरह की ट्रैकिंग तो उस तो बाद जो प्रचार खास कर सुखबीर च करे उस तो बाद मतलब सोची जा सकती है। दूजी गल जिहड़े अकाल तख्त साहब दे मौजूदा जथेदार साहब ने जी, असीं इहनां नूं नहीं मनदे, सारे जाणदे ने कि असीं सरबत खालसा विच जगतार सिंह जी हवारा साहब नूं ही जथेदार मनदे आ, उह इक सैपरेट इशू है। पर मैं इह गल कहिंदा कि जिहड़ा 1992 दे विच इसे अकाल तख्त साहब ते एका होया सी सारे अकाली दल चों बादल बराबर बाहर रहा, इह अज तक नहीं क्लियर कर सकिया वी उह कौन बाहर रहा। कुछ शख्सियतां चलिया गई दुनिया चो, कपड़ा साहब चले गए, तलवंडी साहब चले गए, कर्नल बाबा जी चले गए, तो मान साहब है दरबार साहब चले गए, मान साहब है अमरिंदर सिंह है, इदा करके एक तो वड्डा एका तुसीं कर लो गे हुण भी अकाल तख्त साहब के खड़के सामने अरदास करके भी असीं सारे अपने आप किरदार भरन करके अस्तीफे लैके भी आ गए। जिहड़ी गल हुण पीर मोहम्मद साहब ने कही है उदों तां अस्तीफे लैके भी आ गए सी बादल तों बिना, तो सारे अस्तीफा से एक दिन भी टिक नहीं सके, सिर्फ तो सिर्फ सिमरनजीत सिंह मान टिक सके ने। सारे हालातों को ध्यान से रख के कि एक भी गल सोचा जा सकता है मेरे हिसाब न बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता। कैसी वर्षन ये है जवाब सवाल का जवाब आ गया। आप फिर आने इस मुद्दे से पीर मोहम्मद जी, मैं थोड़े को जवाब लेना इस मुद्दे से जो प्रेस साहब ने कही है गल कि एकता हो सकती है। पहला जो एकता दशिशा होंगे रही है, बाकी तरह जी लीडरशिप अस्तीफे लेके चली गई, तो बादल दल ही इस तो बहर रहा, तो भरोसा नहीं किया जा सकता। हूँ देखो सब तो वे दोष ही अकाली दल बादल से है।
ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 1995-96 ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਖਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਏਕਤਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੋਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ, ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਦਲ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਨ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
उसनू जे इकट्ठा कर सकता है अज के संदर्भ च सारे अकाल तख्त हुकम दे नाल इकट्ठे हो सकते हैं जी। जिथो तक कल मिलन का संबंध सी उथे भी असी मैं सरदार सुखदेव सिंह ढींसा जी दे नाल उथे हाजिर सी। असी मेमोरेंडम भी दत्या उन्होंने कहा कि जी तुहाडा जिहड़ा हुक्म सी असी ते ओ सिर मत्थे ते मनदे हैं असी ओ हुक्म ते चलण नू तैयार हैं पर तुसी जिन्ने भी श्रोमणी अकाली दल दे नां ते जथेबंदियां बनियां सब तो पहला जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल बादल है उन्हां दे प्रधान अस्तीफा देण अकाल तख्त तुसी असी ये भी गल कही ओ मैं गल कही सी जथेदार साहब नू कि तुसी उन्होंने सुझा ना दो सानू सारियां नू तुसी हुक्म दो तुसी अज समा है कि जिस तरह अकाल तख्त दे जथेदार अकाली फूला सिंह जी ने हुक्म कीते तुसी ओ हुक्म करके सारी कौम नू कट्ठे करो। अज लोड है पंजाब नू लोड है एकता दी अकाली अपना अस्तीफा लेके जांदे क्या चको जी साडा अस्तीफा बाकी दिंदा भी लो कहिंदे इह तां गल्लां बातां करके आ गए अस्तीफा दित्ता नहीं पहल कर देना। दूजी गल जिहड़ा गा प्रोफेसर जिहड़ा गा उहनां दा कहना है कि जिस तरीके नाल ये सारा कुछ हो रहा सानू वह गल् हासिल नहीं लगती क्योंकि अकाली दल बादल उन्होंने लीडरशिप समय समय से इन्हों गलों तो करके भी पिछे हटती रही है। प्रोफेसर महिंद्रपाल उन्हों का कहना है देखो जिथे तक सरदार सुखदेव सिंह जी ढींसा का संबंध है सब तो वड्डी जथेबंदी अज भी श्रोमणी अकाली दल बादल है जेड़ा सब तो पहला मुखी नू अस्तीफा देना चाहिए वो अकाल तख्त से जान अकाल तख्त के हुक्म इग्नोर से श्रोमणी अकाली दल बादल करता है। जथेदार साहब नू असी ये भी कहा सी कि तुसी एक हुक्म करिया सी कि पीटीसी दे जिहड़े प्रसारण है वो किसी होर जां अपना चैनल चलाए जथेदार साहब ने यह भी कहा कि सत दिन च करो अज तक जिहड़ी एजीपीसी दी एग्जैक्ट कमेटी है उहदे विच इह गल विचारी तक नहीं गई। जथेदार साहब नूं असीं कहा सी कि तुसीं सुझाव वालियां पासे ना चली चलो ते तुसीं हुक्म करो कौम तुहाडे पिछे लग जूगी जे तुसीं हुक्म करो जी बिल्कुल अज लोक जी सर तुहाडा व्यू पॉइंट आ गया जिस मुद्दे से आप चैनल की गल की है अस्तीफे की गल की है अकाल तख्त की अगुवाई की गल की इन्होंने मुद्दों के वे सवाल आप बाकी मेहमानों के नाल भी शेयर करते हैं कृपा करके तुसी बने रहो साडे नाल मैं फिर सवाल लेके आवांगा तुहाडे वल। सर गुरतेज सिंह जी इस मुद्दे से मैं तुहाडे तो सवाल लैन लग्या सी यही है कि पीर मामा जी का कहना है कि जे अकाली दल बादल जे इन्नी बुराइया सी खोटा सी तो जिहड़ा इन्ना लंबा समा पिछे लंघिया तो उस समय के जिहड़ियां पंथक धिर सी वह क्यों नहीं फिर कट्ठिया होकर बदल बन सकियां फिर क्यों अकाली दल बादल ही मुड़ के बार बार बदल बनता रहा। दूजे पासे कल ढींसा साहब की अगुवाई जिहड़े पंथक जथेबंदियां अकाली दल मिल के आए हैं उन्होंने फिर क्या इस गल के उत्ते कि असी तो अकाल तख्त के जथेदार की अगुवाई की गल की है किसी दल या पार्टी की गल नहीं कि और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सब तो पहला अकाली दल बादल जिन्हें अगुवाई सुखबीर बादल कर रहे हैं उन्होंने अस्तीफा देना चाहिए फिर अगे गल तोरनी चाहिए है और आदेश होना चाहिए अकाल तख्त साहब वालों। सर गुरतेज सिंह जी जी तो गल ये कह रहे ना कि जी असी बार बार उभरे हाँ लेकिन ये अपनी जमीर वेच के उभरे ने इन्होंने अपनी पार्टी नूं पंजाबी पार्टी बना लिया श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी चली आउंदी ट्रेडिशन सी सारी मलिया मेट करती जिन्हें इलैक्शन इन्होंने लड़े ने वाजपाई के नाँ के उत्ते बीजेपी के नाँ के उत्ते वोटां मंगियां जो धक्के बीजेपी वालों या लोकां नाल बंदी सिंघां नाल पंजाब नाल पंजाब दे खाड़कू सिंघां नाल पंजाब दियां जिहड़ियां मंगां हन और जिहड़े साडे हक हन उहनां दे बारे जो रवैया उहनां दा रिहा है वह बिल्कुल
कौम के बरखिलाफ पंजाब के बरखिलाफ रहा है और एक कदे भी उसके उत्ते पैरा नहीं डट के दे सके ते ना ही उसनू उन्हें टोक सके। जिस तरह के फर्ज एक मामूली जी गल सी, मामूली नहीं बहुत वड्डी गल सी कि चट्टी सिंहपुरा दे विच 34 सिंह शहीद होए और अकारण शहीद किए गए और उन्होंने शहादत को रोलन वास्ते फिर 4-5 मुसलमानों मारिया गया। फिर उन्होंने DNA टैसट और ये इन्हों का बादल जिहड़ा दल कहिंदा भी असी बदल बन के और असी कौम के उत्ते या पंजाब के उत्ते छाए रहे, इन्होंने उस दे विच पंजाब की अगवाई क्यों नहीं की और अज तक क्यों नहीं की। फिर आ बंदी सिंह का मसला हैगा, ये बने रहे, ये सत्ता दे विच बने रहे, सत्ता दे विच तिकड़मबाजी नाल बहुत सारे लोग बन जाते हैं और इन्हां कोल कोई गिदड़ सिंगी सी जिसके कारण ये बने रहे, लेकिन इस नूं ये नहीं कहा जा सकता कि ये कौम दे हित दे विच बने रहे। हुण जे तुसीं एकता करनी है ਤਾਂ ਇਹ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਜਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਸ ਦਾ ਆਈਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏ ਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਏਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕੇ ਜੀ ਆਹ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਮਝੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਲਾਭਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਏਕਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੇਵਲ 2-4 ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਐਜ ਏ ਹੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰ ਜੋ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਰਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ
दोबारा उन्हें ही बंदे को कह सकता है कि हाँ जी आओ एकता करो जी या तो आधे नार ऐसी एकता कर दे ना ये गलत मतलब के चिर स्थाई नहीं हो सकती ना ये थोड़ी चिड़िया हो सकती है ना सो थोड़ी चिड़ी गल वो कौमी एकता या पंथक एकता का नाम देना मेरे लिए मेरे ख्याल में एक डिबेट कुछ तक लगता होगा पर यह जरा प्रैक्टिकल नहीं है इस करके भरोसे योग्यता जिन्हों आप क्रेडिबिलिटी कहने क्रेडिबिलिटी उन्होंने दला पिछले समय तो लैके अज तक डिबेटेबल है उन्होंने डिबेट करनी चाहिए है उस तो बाद जाके आप बैठ के कहीं होर दसो की करिए जी बिल्कुल सो यह गल सारिया गलां जीडिया ने कि हम मैं इतने ढींसा साहब के बुलाए भी बैठे ने इतने आदि दल के बुलाए भी बैठे ने कि ये 1915 से आके दस सकते ने भी गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बेअदबी हुई सी उगले दो साल जरा इन्होंने हिता कुर्सी रही उस तो बाद वर्क ना देखा जा रही छिक ना देख जी बिल्कुल सारे भावना जानते ने मेरे तो वोकों मिलते हैं जो बाकी मेरे मित्र ने जी जी मैं शगन रहने लोगों मिलते ने उन्होंने व्यूज मेरे को आते हो सारिया गल मेरे हिसाब से दोबारा आगा ये डिबेटेबल ने उस डिबेट तो बाद देखा जाऊगा भी एकता करनी है किन्हें करनी है किन्हें करनी है कि मेरे साहब एक सवाल जिहड़ा तुसीं आप ही कह रहे हो कि सारिया गल्लां डिबेटेबल है इहदा मतलब है कि टेबल ते आके डिस्कशन तां हो सकदी है किहदी क्रेडिबिलिटी नहीं है किहदी है उस मुद्दे ते विचार बाद च भी हो सकदी है पर बैठ के डिबेट तां हो सकदी है इस मुद्दे ते कि नहीं हो सकदी बिल्कुल सिद्धू साहब असीं सारे खासकर मैं अपनी पार्टी बारे कहांगे असीं अगवाई गुरु सच्चे पातशाह तों लैंदे आ जेकर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह साडे पैगंबर डिबेट करन दे लई औरंगजेब वालू जा सकते तां सानूं कोई इतराज नहीं है जे जहांगीर दे नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी दी डिबेट हो सकती है गुरु अर्जन साहब जी दी शहादत तों बाद भी डिबेट दसेगी कि क्रेडिबिलिटी दे आधार की ने उन्हां नूं किन्ना किसे ने जीया जी जे वह अमल विच है या नहीं ये सारिया गल्लां डिबेट दसूगी जो अज दे हालात ने उहदे मुताबक जी अहम मुद्दा जिहदे तुसीं गल कर रहे हो पीर मामा जी पहला मैं तुहाडे तों इस मुद्दे ते सवाल लैणा जो गल प्रोफेसर मिंदरपाल उन्होंने कही है कि उन्होंने एक बहुत वड्डी गल कही कि डिबेटेबल किसी मुद्दे ते बहस हो सकती है जिन्हों आप समाज रचाउण की गल करते हैं समाज रचाया जा सकता पर क्रेडिबिलिटी जिहड़ी हैगी आ किन्नी कु दी आधार किन्ना हैगा जिहदा अखलाक कह लिए क्रेडिबिलिटी कह लिए उस तो बाद तय होएगा क्योंकि कहिंदे पिछले समयां दे विच जिहड़ा बादल अकाली दल उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी दे मुद्दयां दी गल कर लिए बहुत वड्डियां इदां दियां जिहड़ियां कताईयां कीतियां दोष लगे है जिहदे करके सीधे तौर ते केवल उन्हां दे नाल एकता दी गल नहीं हो सकदी पर डिबेटेबल जरूर है मुद्दा जी पीर मामा जी देखो जी गल के प्रोफेसर साहब ने अपने सवाल का आपे ही जवाब दे दिता है ते चलो मैं उन्होंने ही गल कर देना कि देखो जिहड़ी विचारधारक एकता उन्दी ही लोड़ हुंदी है जिहड़े शरीरक एकता जिहड़ी है वह कदे भी नहीं निभदी विचारधारक जो श्रोमणी अकाली दल के सिद्धांत ने सोच है उन्दे उत्तों जिथे जिथे असीं उपड़े हाँ सारिया धिर चाहे अपने आप नूं आपां सारे ही श्रोमणी अकाली दल दे जे वर्कर अहुदेदार अखवाउणे आ कोई ना कोई तां कारण होया ना जिवें मैं इक सवाल खड़ा कीता सी कि सरदार प्रकाश सिंह बादल ते उहनां दी टीम दीआं सियासी गलतियां धार्मिक गलतियां नूं आपां मन लईए तां जिहड़ियां दूसरियां पंथक धिरां ने उह सरवाइव क्यों नहीं कर सकदियां एक तां इह सब तों वड्डा सवाल है दूसरा इह आ कि जदों हुण आपां पंथक एकता दी जां पार्लीमेंट सीटां किने बाद जितियां असैंबलियां किने बाद जितियां सरकार किने जीती लई बनाई फिर उस मुद्दे ते एकता तां पॉसिबल नहीं क्योंकि जिहड़ी गल प्रोफेसर मिंदरपाल होनी सरदार गुरतेज सिंह होनी कह रहे हैं ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
वखरे तो है नहीं गल जी एकता की चलनी है वो एक जी वखरी विचारधारा जी एक जिवे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर है श्रोमणी अकाली दल दी जिहड़ी मुख धारा जिहड़ी है उहदे विच समें समें बदलाव आउंदे रहे ने उहदे विचों जिहड़े अलग होए ने उह तां इक हैगा इक जिहड़ी वखरी धारा चल रही है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਸੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹਾਇਕ ਉਹਦੇ ਉਲਟੇ ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ इजाजत नहीं दे रहा पर सवाल वड्डा मैं जरूर जवाब लेना चाहूँगा प्रोफेसर महिंद्रपाल और साहब गुरतेज सिंह ने जिहड़ी गल लैंदी है इस मुद्दे विच कि मामला डिबेटेबल जरूर है गल हो सकती है पर क्रेडिबिलिटी का मुद्दा तो बरकरार रहेगा ही रहेगा पिछले समय जिहड़ियां बजर कताइया या गलतियां होंगे उन्होंने अखों परोखे नहीं किया जा सकता पर फिर भी समाज रचाया जा सकता और उहदे चों जो कुछ निकल के सामने आए जी जस्टिस साहब जी उन्होंने अपनी ईगो छड के क्योंकि यह अपील जी आई है ये अकाल तख्त के जथेदार साहब वालों आई है जेडे मौजूदा जथेदार अकाल तख्त साहब के जथेदार बनते हैं उन्होंने सारू उन्होंने हुक्म मनना चाहिए जो जो उन्होंने हुक्म करे हैं तो जे पार्टियां के लीडर साहब अपने जथेबंदी च अपनी कमेटी बनाई हुई बनाई हुई जे हुक्म नहीं मानते तो यूनिटी की गल कि कर सकेंगे श्रोमणी अकाली दल बादल ने पिछे जी जो चोड़ा हुई संदर्भ च एक कमेटी बनाई थी झूंदा कमेटी के नाम जानी जाती है उसकी रिपोर्ट जन तक नहीं कर रहे जे वो रिपोर्ट जन तक होंगी है जिहड़ियां उहदियां सिफारिशां उन्होंने मान लैण कि उन्हां दी सिफारिशां देख लैने कि वह यूनिटी वाल कदम है या नहीं है जी ते सारे का सारा जिहड़ा साडी जथेबंदी का सवाल है असी ते अकाल तख्त के जथेदार साहब नूं जिहड़े मौजूदा जथेदार है उन्हां नूं जथेदार मंनदे हैं अकाल तख्त के अगे असी सिर चुकाउने हैं मेहरबानी थैंक यू असी साडा साडा जिहड़ा ये मैं पहला भी गल कही है कि असी अपने वल्लों नहीं ये पहल कीती डिबेट का जो मौका मिलेगा आप इस मुद्दे से भी चर्चा कर सकते हैं समा इजाजत नहीं दे रहा मैं आखिरी कमेंट जो गुरतेज जी थोड़े को भी लेना चाहना है कि जो प्रोफेसर महिंद्रपाल जी ने गल कही है कि डिबेटेबल इशू तो है जी एक बहुत वड्डा अपने आप च मतलब बहुत वड्डे मतभेद आपां जाणदे हां पिछले समय च गुरु साहिबान दी धारणा देख के क्या है कि मतभेद हो सकते हैं पर समाज रचाया जा सकता है समाज रचाउण दी गल करदे ने ते बाकी भी मेरे ख्याल च इस तों कोई मुनकर नहीं हो सकता लेकिन संवाद रचाउण वास्ते कोई कमेटी बनाई जा सकती है कोई पांच सत्त दस ग्यारह बंदे तीन बंदे दो बंदे निरपक्ष हनगे जिन्हां दे अधीन जिन्हां दी देख रेख दे विच तुसी डिबेट करो और वो डिबेट सारी रिकॉर्ड होके पंथ दे विच जावे पंथ अपना फैसला आप करे फिर की इस तरह की कमेटी बनाने वास्ते तुसी सारे दे सारे रजामंद हो जे नहीं रजामंद
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ? ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਦਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨਗੇ, ਫਲਾਨੇ ਹਨਗੇ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਝਗੜੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਡਰ ਭਾਉ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।